नमस्कार, मैं हेना प्रसून बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। ज्योतिष के इस नए कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। और आइए जानते हैं आज के नए प्रोग्राम में नया क्या है। तो आज हम बात करेंगे 17 जनवरी से होने वाले शनि देव के गोचर की। और शनि देव के गोचर पर आपको बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे उपलब्ध हैं। इवन मैंने भी अपने चैनल पे इस गोचर का सभी चंद्र राशियों पर क्या परिणाम होगा इसकी वीडियो हमने अपलोड की है, आप उसे देखिए। मैं उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और इसके अलावा मैं एक चीज़ जो आज नई जानकारी दे रही हूँ कि अगर ट्रांजिटिंग सैटर्न गोचर के शनि आपके बर्थ के प्लैनेट्स के ऊपर से गुजरते हैं तो क्या परिणाम देते हैं। तो जैसा हम सभी जानते हैं 17 जनवरी को शनि देव कुंभ राशि में अपनी मूल त्रिकोण राशि में जा रहे हैं। अभी 2.5 साल से अपनी ही राशि लेकिन साधारण राशि मकर में बने हुए थे। और तो कुंभ राशि में अगर आपके बर्थ चार्ट में कोई भी प्लैनेट है तो ये, और वो भी 5 डिग्री के और पे, तो शनि देव किस तरह से आपके जीवन को आने वाले 2.5 सालों में प्रभावित करने वाले हैं इसके बारे में हम आज चर्चा कर रहे हैं। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसे आप स्किप करके ना देखें। अगर आपकी कुंडली में कुंभ राशि में कोई ग्रह नहीं है तो भी आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। और किसी भी ग्रह की युति है, 3 ग्रह हैं या किसी भी तरह की संभावना है तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, आपके बड़े काम की है। वीडियो शुरू करूं इसके पहले मैं अपने सभी प्रिय दर्शकों से आग्रह करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पसंद आने पर लाइक करें और वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें, साझा करें। अब बात करूंगी अगर शनिदेव, अगर ट्रांजिटिंग सैटर्न आपके नेटल राहु के ऊपर से गुजरते हैं तो क्या होता है। ये नेटल राहु देखिए आपको बहुत सारी स्मार्टनेस देते हैं, ये एक अच्छी स्थिति है। राहु को शनिदेव का साथ बहुत पसंद है। आप बहुत, एक चीज़ जो मैंने देखा है, पॉलिसी मेकिंग में आप बहुत शानदार काम करते हैं। आपको कुछ योजना बनाने के लिए कहा जाए या आप ऑफिस के लिए कोई प्रोजेक्ट तैयार करें उसके लिए एक बहुत ही अच्छा समय है। और इसके अलावा राहु, क्योंकि अगर कुंभ राशि में है तभी आपके नेटल राहु पे शनि देव गुजरेंगे, और अगर कुंभ राशि में राहु हैं तो वो अपने डिस्पोजिटर यानी खुद शनि देव के जैसा ही बिहेव करेंगे। और शनि देव के जैसा ही, जैसे शनि के ऊपर शनि का गोचर मैंने बताया, वही स्थिति आपको शनि के ऊपर, राहु के ऊपर गोचर के शनि के भी गुजरने से होगा। आप कुछ नॉन ट्रेडिशनल टास्क परफॉर्म करेंगे, आप कुछ ऐसी चीज़ें जो लीक से हटकर हो वो आप करते हुए दिख रहे हैं। ये मैंने देखा है, ये चीज़ हो के रहती है। राहु के ऊपर से जब सैटर्न जाते हैं तो राहु जिस भाव में भी आपकी कुंभ राशि पड़ रही होगी उस भाव से संबंधित कुछ बिल्कुल लीक से हटकर काम करते हैं और वहाँ आपको बहुत मज़ा भी आता है और सफलता भी मिलती है। अब बात करूंगी अगर आपके नेटल केतु के ऊपर से ट्रांजिटिंग सैटर्न गुजरते हैं, जन्म की कुंडली में जहां आपकी अगर कुंभ राशि में केतु है और अगर वहां से गोचर के शनिदेव गुजर रहे हैं जैसा 17 जनवरी 2023 को होने वाला है तो वहां पर एक आप बहुत अच्छी स्थिति, मैं नहीं कह सकती हूँ लेकिन हाँ, आपके पेशे रोजगार से संबंधित आपको खुशखबरी मिल सकती है। आप किसी को रिप्लेस करते हुए दिख रहे हैं अपने कार्य क्षेत्र में, अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस व्यापार में आप किसी का पत्ता काटते हुए दिख रहे हैं और अपने चार्म से आप अपने वर्क प्लेस पर छाते हुए दिख रहे हैं। केतु आपको एक डिनाई, केतु आपको उस जगह से काटते हैं तो शनिदेव और राहु केतु के बारे में जैसा हम लघु पराशरी में भी पढ़ते हैं वो अपने डिस्पोजिटर, वो जिस भाव में रहते हैं तो उस भाव के डिस्पोजिटर के जैसा ही परिणाम देते हैं। तो केतु को भी अध्यात्म बहुत पसंद है, लोगों से कट के रहना, अपने में रहना, अपने मनन चिंतन करना बहुत पसंद है। और चूंकि वो अगर आपके केतु, जन्म के केतु कुंभ राशि में है तो वो कुंभ के
डिस्पोजिटर यानी लॉर्ड सैटर्न के जैसा ही काम करेंगे, शनि देव के जैसा ही काम करेंगे। कार्य क्षेत्र में आप बिल्कुल इररिप्लेसेबल होते हुए दिख रहे हैं और यहाँ तक दूसरों को आप इररिप्लेसेबल हो रहे हैं और इवन दूसरों को आप अपने चार्म से आप रिप्लेस करते हुए दिख रहे हैं और उनकी जगह को लेते हुए दिख रहे हैं। एक बहुत अच्छी स्थिति बनने वाली है। तो चलती हूँ आज के वीडियो में, बस इतना ही। आप ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। कमेंट बॉक्स में आपके विचारों और सुझावों को पढ़कर मुझे बहुत खुशी होती है। एक नई वीडियो में बहुत जल्दी आपसे भेंट होगी, जिसमें हम बात करेंगे। इसी तरह का एक वीडियो और मैं ला रही हूँ कि अगर गोचर के शनि देव आपकी चंद्रमा से, चंद्रमा के साथ अगर युति बनाए हुए हैं, चंद्रमा से सेकंड हाउस में आए, चंद्रमा से थर्ड हाउस में आए, तो किस तरह के बदलाव आपके जीवन में आने वाले हैं। ये एक बहुत ही वेल रिसर्च्ड वीडियो आने वाली है, जिसका आप इंतज़ार कीजिए। बहुत जल्दी आपसे एक नई वीडियो में भेंट होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।